बिग बॉस के घर में लग चुकी है बिग बॉस की अदालत। जी हां, मुनावर पर बड़े इल्जाम लगे हैं। दरअसल एक नया टास्क हो रहा है। इस टास्क में क्या है कि भैया औरा और अरुण को बना दिया गया है जज। औरा मेन जज है क्योंकि कहीं ना कहीं अरुण है वो उसके ट्रांसलेटर है, तो उसको बताने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश करके। लेकिन यहाँ पर पूरा कटघरा लगा दिया गया है और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज आने वाली है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बड़े इल्जाम घर वालों पर लग कर उन्हें कहीं ना कहीं डिफेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर जिस पर जो इल्जाम लगाए गए हैं अभी तक आप लोग भी लगाए जा रहे हो कि भैया ये ऐसे कर रहा वैसे कर रहा, अब वो इल्जाम लगाए जाएंगे। एंड में फिर वो केस जीतता है हारता है ये जज निर्धारित करेगा और कहीं ना कहीं वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर मुनावर, जी हां, मुनावर पर बड़े इल्जाम लगे हैं। मुनावर को कटघरे में लाया गया और मैं आपको बताऊं तो विकी को कहीं ना कहीं वकील बनाया गया, अंकिता को भी वकील बनाया गया। अंकिता शायद डिफेंड करती हुई दिखाई देगी, विकी है वो इल्जाम लगाते हुए नजर आएंगे। वो इल्जाम कहां से मिलेंगे गाइस? लॉकर कुछ ऐसा बनाया गया है, वहां से इल्जाम निकालने हैं और वो इल्जाम है वो पढ़ने हैं। यहां पर जो मुनावर पर लगे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसकी पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही वो रियल है या फिर क्या है। पहला इल्जाम उन पर ये लगाया जाएगा जिसको कहीं ना कहीं विकी ये पढ़ते हुए नजर आते हैं और विकी बार बार ये चीजें बोलते हुए नजर आते हैं। अंकिता शायद डिफेंड करेंगी, ऐसी चीजें आ रही है। दूसरा इल्जाम है बाहर की स्टोरियां कहानियां बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसा इल्जाम है जो कि दिखाया जाएगा। यहां पर तीसरा जो इल्जाम है इसका रिलेशनशिप क्लियर नहीं है, क्या रिलेशनशिप है? नाजिला के साथ है, आयशा के साथ है, नाम तो नहीं लिया गया लेकिन कहीं ना कहीं बताया गया कि भैया बाहर है अंदर है क्या बंदा है। हाँ, अपना रिलेशनशिप क्लियर नहीं कर पा रहा, अपना रिश्ते क्लियर नहीं कर पा रहा, ये इल्जाम लगाया जाएगा जो कि यहां पर क्लियर करेगी अंकिता शायद। कहीं ना कहीं एंड में डिसीजन जाएगा जजेस के पास और जज है वो औरा, वो डिसाइड करेंगे कि मुनावर की जीत होती है या फिर हार होती है। लेकिन अगर वो जीत जाता है तो फिर लोग उस पर सवाल उठाना बंद कर देंगे आई थिंक, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पूरी जो बहस होने वाली ना उसी पर होगी और काफी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो और भी लोगों पर इल्जाम लगाए जा सकते हैं, जैसे अभिषेक जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करता दिखाई देता है। बंदा अच्छा है, दिल का अच्छा है और आज उसका बड़ा बड़ा झगड़ा विकी के साथ होता है। अंकिता को वो बोल देता है कि भैया विकी तुम अपनी पत्नी से करवा लो, ये अच्छे से बर्तन साफ कर लेती है, तो ऐसी चीजें करता है। बाद में कहीं ना कहीं अभिषेक को बुरा लगता है, चल रही थी विकी के साथ लड़ाई, वो अंकिता को ले आता है, बाद में अभिषेक को बुरा लगता है, सभी घर वाले अभिषेक के खिलाफ हो जाते हैं, अभिषेक काफी ज्यादा रोता है, फिर जाकर वो अंकिता से माफी मांगता है। तो ये चीजें होंगी, मतलब इन लोगों पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगाए जाएंगे। अब किस पर कितने इल्जाम लगे हैं, क्या इल्जाम लगे हैं, कितने घर वालों पर लगे हैं, उसको डिफेंड कैसे किया गया, डिफेंड में क्या क्या बोला गया, सब कुछ गाइस आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप हमें बताइए कि क्या क्या किस पे इल्जाम लगने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये टास्क रखने का मतलब ये है कि घर वालों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाए जाए, क्योंकि आपको पता है कि विकी है वो अंकिता जैसे बोलेगी उसके सहमत नहीं होगा, है ना। अंकिता डिफेंड कर रही है, विकी इल्जाम लगा रहा है, तो इनके बीच भी लड़ाई हो सकती है। बिग बॉस तुल गए इनका डिवोर्स करवाने पे और ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। मुनावर के साथ भी विकी की देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि यार मुनावर और विकी की अब लड़ाइयां हो सकती है, विकी की अब मंडली बन रही है। तो ये चीजें आपने देखी होगी, दो तीन दिनों से ऐसी हो रही है मुनावर के अगेंस्ट में विकी की, तो कहीं ना कहीं विकी के साथ लड़ाई हो सकती है और बाकी लोगों के साथ लड़ाइयां करवानी है, इसलिए ये टास्क रखा गया है। लेकिन शायद मजा आ सकता है, इस टास्क में काफी सारी चीजें होंगी, तो जो बोरिंग शो हो रखा है वो मजेदार बन सकता है। आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।